आज ढोकला बनाएंगे। ढोकला बनाने के लिए अदरक, मिर्ची, 1 स्पून चीनी, चीनी चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप सूजी लिया है, बारीक वाला सूजी। इसमें ग्रीन मिर्ची, अदरक और चीनी डाल रही हूँ। एक स्पून ऑयल, नमक स्वादानुसार नमक, 1 कप दही, खट्टा वाला दही हो तो अच्छा रहता है। इस सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है, थोड़ा गट्ट है इसलिए 1-2 स्पून जितना पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। ये 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। तब तक ये थाली को मैं ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने से ढोकला उसमें चिपकता नहीं है। 1/4 स्पून से भी कम सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा या इडली का सोडा। 2 स्पून पानी। अब ये मिक्स कर रही हूँ, इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ वो सोडा मिक्स हो जावे बस। अभी इसको वो ग्रीस किया हुआ प्लेट में शिफ्ट करेंगे। देखिए ये स्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी रख के, एक रिंग रख करके, देखिए पानी बॉईल हो रहा है। अभी मैं इसको ढक करके 15 मिनट तक इसको स्टीम में बॉईल करेंगे। देखिए ऐसा, तब तक चौंक रेडी करेंगे। ऑयल, सरसों, एक स्पून तिल, कड़ी पत्ता, 2 ग्रीन मिर्ची, थोड़ा लंबा ऐसा काट के डाला है, थोड़ा सा हींग, गैस बंद कर दिया है। 1 स्पून जितना नींबू का रस, नींबू का रस ढोकला में ऊपर डालने से ना टेस्ट देता है। देखिए पक गया है। ढोकला पक के रेडी हो गया है। इसको ठंडा करके डीमोल्ट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर ढोकला तैयार हो गया है। जो हम वो गार करके रखा था ना, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैं अभी काट के भी आपको दिखाती हूँ, कितना स्पॉन्जी ढोकला रेडी हो गया है। देखिए कट कर रही हूँ। कितना स्पॉन्जी है, कितना सुंदर ढोकला रेडी हो गया है। और एक पीस काटेंगे। देखिए कितना सुंदर है।
सूजी का ढोकला रेडी।